तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजमा की एक एकदम नई रेसिपी, बिल्कुल जैसे हम बनाते हैं आप भी देखिएगा। और अभी तो ये साफ़ करके रखें और अभी इनको सोक कर देंगे हम गर्म पानी में, ल्यू कॉम वाटर में या गर्म पानी में, जैसा आप करिएगा। तो चलिए कर दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पानी बॉयल हो गया, तो इसको माइक्रोवेव में ये बॉयल कर लिया था, तो अब हम इसमें ये सूप कर देंगे अपने राजमा जो हैं हमारे सारे के सारे ओवरनाइट के लिए। और जो मेन इसकी ट्रिक होती है वो ये है, जैसे होटल्स में बनता है फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा शायद, आप उसमें पकते समय डालते होंगे ये जो कुकिंग का बेकिंग सोडा होता है इसको, और ये हम अभी डाल देंगे। बस इसको भिगोने के लिए रख दिया और इसको हम रात भर भिगने के लिए रख देंगे, उसके बाद कल सुबह दिखाएंगे आपको कि इसका सीन क्या है। तो चलिए फिर इसको रख दें ढक के, और ये रात भर के लिए ये भीगने के लिए तैयार हो गया, इसमें सोडा डाल दिया था तो ये इसी के साथ भीगेगा। तो आज हम बनाएंगे आपके लिए ज़बरदस्त से राजमा। तो ये देखिए, ये राजमा ये हमने रात भर सोख करके रख दिए थे, और आपको जैसा ही बताया था सोडा मिक्स किया था इसमें। और ये है प्याज, ये है टमाटर, ये है अदरक, ये है लहसुन, और इसमें से ये एक प्याज तो हम बारीक चॉप कर लेंगे छौंकने के लिए, और ये बाकी हम इसका पेस्ट बनाएंगे सब चीज़ों का। और फ्रेंड्स, ये बॉयल नहीं है, ये भीगे हुए हैं। आज आपको हम यही दिखाएंगे कि बिना बॉयल के भी राजमा कितने अच्छे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई और इन सब चीज़ों का बनाते हैं, इसमें डालते हैं पेस्ट और मिलते हैं अभी आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया, धुआँ छूट रहा है, और हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्ची, और एक तेज पत्ते के हमने दो पीसेस कर लिए हैं। तो चलिए डाल देते हैं, जैसे ये थोड़ा चटक जाएगा, और उसके बाद ये जो हमने प्याज चॉप करी हुई रखी थी ये डाल देंगे। और देखिए इसको चला लेते हैं, अभी ये थोड़ी ब्राउन हो जाए, अभी तो देखिए अभी ऐसा है, थोड़ी ब्राउन हो जाए फ्रेंड्स फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए हमारी प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई है, और खूब अच्छी खुशबू आ रही है जो मसाले हमने डाले हैं इसमें, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अब इसी समय हम ऐड कर देंगे अपना जो हमने पेस्ट बनाया है, ये इसे चला देंगे बस थोड़ा। अभी थोड़ा भुन जाए, थोड़ा भुनने के लिए छोड़ देते हैं इसको। देखिए अभी भुन रहा है फ्रेंड्स, और इसमें हम डाल देंगे अपने ये मसाले, ठीक है, 2 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी 1 स्पून स्मॉल, और रेड चिली थोड़ी सी कम, क्योंकि फिर हमारी बेटी नहीं खा पाएंगी इसलिए। तो चलिए ये भी इसमें डाल देते हैं और इन सबको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए ये सारे मसाले भुन रहे हैं फ्रेंड्स, और अभी भुन जाए तो इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा जब ये सारा मसाला अपना तेल छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला ऑलमोस्ट भुन गया, देखिए लाइट तो जली है लेकिन पता नहीं क्यों रोशनी कुकर में नहीं आ रही, क्योंकि कवर्ड है ना, कुकर ऐसा होता है, तो इसलिए समझ सकते हैं आप इसका ये जो सर्कल है इसकी वजह से कुकर में लाइट नहीं आ रही। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है बहुत अच्छा, तेल छोड़ दिया है। तो चलिए अब इसी समय जो हमने राजमा रखे थे और ये धो लिए हमने, 3-4 बार धो लिए, अब ये राजमा इसमें ऐड कर देते हैं सारे, और इसको थोड़ा सा मसाले में भून लेंगे।
तो देखिए हमारा मसाला भुन गया है और हम यही बाउल भर के इसमें पानी डाल देंगे, बाउल भर के, क्योंकि राजमा भी बाउल भर के ही थे इसलिए। ये देखिए और इसमें डाल देते हैं हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी आपने देखा होगा कि मसाले तो डाले लेकिन नमक नहीं डाला, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देते हैं। इसको एक बार फिर से चला देते हैं। और लगा देते हैं इसके ऊपर कवर, इसको ढक्कन इसका कवर कर देते हैं। और ये फ्रेंड्स ये 6-7 विसिल तक के लिए अब ये ऐसे ही रहेगा। जब इसमें 6-7 विसिल आ जाएंगी तब तक ये गल जाएगा, तब इसको खोल के देखेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे राजमा, ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितनी गाढ़ी इनकी ग्रेवी है और रेडी हो गए। देखिए अब आपको अगर ज़्यादा पतला करना हो थोड़ी तो आप पतला भी कर सकते हैं और इसमें गर्म पानी ऐड करके फिर से उबाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी देखने में देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अभी इसका लास्ट जो इसका एक टच है उसमें जो करना है वो अभी रह गया है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं जो इसको और अच्छा बहुत ज़बरदस्त इसकी रंगत आ जाएगी और देखने में और भी भयंकर लगेगा और खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी यम्मी और चटपटा। चलिए कर लें। तो देखिए ये ले लिया है हमने एक पैन और इसमें डालेंगे हम घी, तो देखिए हम इसमें घी डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा घी गर्म हो गया और ये हमने ढेर सारा लहसुन चॉप करके रखा था और ये सारा इसमें डाल देंगे। हल्का ब्राउन करेंगे। तो देखिए हमारा लहसुन ब्राउन हो गया और अब इसमें डाल देंगे एक स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर देंगे। और ये गया सीधा कुकर में। देखिए इसमें और राजमा डाल के इसको पूरा, पूरा कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स लाइट बहुत कम आ रही है, तो देखिए हमारा यमी ज़बरदस्त इसको कहना चाहिए राजमा रेडी टू ईट। और लास्ट में जो फाइनल टच गरम मसाला घर का बना हुआ, और देखिए बस हो गया हमारा राजमा तैयार। इसको चला देंगे। चलिए बन गया हमारा राजमा तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखिए आपके लिए आज बनाई हमने इतनी ज़बरदस्त अपने स्टाइल की राजमा की रेसिपी, और आपसे यही कहेंगे कि आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मज़े से खाइएगा। और हमारे घर में तो देखा आपने, आपको दिखाया था वो तली हुई हरी मिर्चें हैं, तो उसी के संग खाएंगे और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर हम यही कहेंगे आपसे कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिस तरह आप हमको प्यार दे रहे हैं हमारा यूट्यूब फैमिली और खूब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि हमारे साथ जुड़ते रहिए और हम सब एक ही फैमिली हैं और हम कभी ये नहीं सोचते कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप हमारे भी एक फैमिली का हिस्सा हैं, फैमिली मेम्बर हैं, और हम आपको देखिए उतने ही चाहते हैं जितना और को अपने घर में चाहते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं, इवन जो खाना तक खाते हैं हम आपसे कहते हैं कि देखिए आज हम ये खा रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप कितनी वैल्यू रखते हैं हमारे लिए। तो आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भर भर के, जैसे हम कहते हैं ना भर भर के, ऐसे ही ऐसे ऐसे करके सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल जॉय मिस्टीरियस गर्ल।
अपना ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।